प्रदेश में लगातार पुराली की समस्याओं के चलते किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे थे। इसके चलते किसान अपनी पुराली जलाने से भी डर रहे थे और सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफ़ी चिंतित भी थी। सरकार ने किसानों को पुराली से खाद बनाने का डेमो भी दिखाया। वहीं आपको बता दें कि आज जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मुहिम चलाकर किसानों के सामने पुराली के खाद बनाने का डेमो दिखाकर लोगों को जागरूक किया। जो लगातार एक समस्या आ रही थी पराली जलाने की और जो गन्ने की पताई जलाने की, तो उसके निराकरण के लिए जो IARI द्वारा जो निर्मित जो कैप्सूल है उसको हमने अपनाया है और उसको मनरेगा के साथ जोड़ा है। और अभी का हमारा जो हमने एक मॉडल तैयार किया है कि जो धान की फसल होती है उसमें हम व्यक्तिगत जो इसमें लाभार्थी होते हैं उनमें पिट बनवा कर वहीं पर इसका निस्तारण करवाएंगे। तो धान की फसल में जो पराली का होता है प्रति एकड़ लगभग 2700 रुपये इसमें मैंडेज के रूप में मजदूरी के रूप में किसानों को मिलेंगे, और जो गन्ने की पताई होती है उसमें भी लगभग 1600 रुपये की जो मैंडेज है वो किसान को अतिरिक्त आय के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। और इसके साथ ही जैविक खाद के रूप में इसका हम प्रयोग करेंगे, और जो नाइट्रोजन का नुकसान होता है फसल को जलाने से, ये पराली को और पताई जलाने से, तो लगभग 30 किलो नाइट्रोजन का जो नुकसान होता है तो लगभग 1 बैग यूरिया की सीधी बचत होती है। इस प्रकार जो जैविक खाद बनाएगी उससे भी जो लगातार केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनकी खपत कम होगी, तो किसानों की इसमें आय में वृद्धि होगी और हमको कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। तो एक अच्छे मॉडल के रूप में इसे विकसित करने का प्रयास जनपद में किया जा रहा है। तो कहने की रोकथाम हुई है, लगातार किसानों का सहयोग मिला है, और जैसे जैसे किसान भाइयों को ये उनको अवगत कराया जा रहा है उनमें अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि आपके जो मित्र कीट हैं उनको बढ़ावा देता है। साथ ही मनरेगा के तहत एक अतिरिक्त आय के रूप में भी उसे देख सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा सकारात्मक सहयोग किसान भाइयों की तरफ से मिल रहा है। और इसमें आज हमारे पास कृषि IARI की तरफ से डॉक्टर YV सिंह और डॉक्टर लवलीन शुक्ला यहाँ पर किसान भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास